हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग पिछले वीडियो का अगला पार्ट करेंगे। मतलब कि पिछले वीडियो में हमने मोशन किया था, इस वीडियो में हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग कुल 8 टॉपिक कवर करेंगे जो कि है फोर्स, इट्स इफेक्ट एंड इट्स टाइप्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन, इनर्शिया एंड इट्स टाइप्स, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन, मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन और लास्ट में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहला टॉपिक हम लोग का है फोर्स एंड इट्स इफेक्ट। फोर्स क्या होता है? एनी पुश और पुल कैन बी कॉल्ड एज फोर्स। या मतलब जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, हम लोग उस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब या तो हम लोग इसको ढकेलते हैं या फिर हम लोग इसको खींचते हैं। अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं लेकिन ये हिलता नहीं है, जैसे कि मैं अगर दीवार को हिलाना चाहूंगा तो फिर हिलेगा नहीं मुझसे, लेकिन फोर्स तो अप्लाई कर रहा हूँ, वर्क भले नहीं हो रहा लेकिन मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इसीलिए इस फोर्स उसको कहा जाएगा। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स इतने ही, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स वो होते हैं जैसे कि सबसे पहले हम फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन बदल सकता है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन है तो मैं उसको रेस्ट में ला सकता हूँ, और कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में तो मैं उसको मोशन में ला सकता हूँ। अब फोर्स किसी भी चीज का डायरेक्शन बदल सकता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में आ रहा है तो मैं फुटबॉल को किक करके फिर उस डायरेक्शन में भेज सकता हूँ। और फोर्स किसी भी चीज का शेप और साइज बदल सकता है, जैसे मैं स्पॉन्ज को दबाऊंगा तो उसका शेप बदल जाएगा और उसका साइज भी बदल जाएगा। तो यही होता है फोर्स के इफेक्ट्स। अब टाइप्स के होते हैं, फोर्स पहले दो तरीके के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स दो तरीके के होते हैं, सबसे पहला इसमें आता है फ्रिक्शन, दूसरा मस्कुलर या फिर मैकेनिकल। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तीन तरीके के होते हैं, सबसे पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक, दूसरा ग्रेविटेशनल और आखिरी मैग्नेटिक। अभी सबके एग्जाम्पल जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। जैसे कि फ्रिक्शन का बात करते हैं तो फ्रिक्शन जब भी अप्लाई हो सकता है जब दोनों ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट हो, जैसे कि ये पेन है तो इन दोनों में फ्रिक्शन जब भी अप्लाई होगा जब ये दोनों यहां से ऐसे घिसेंगे तो फिर यहाँ पर इसके जो पार्टिकल्स रहेंगे उसमें कुछ इरेगुलरिटीज की वजह से ये सब आपस में टकरा के एक दूसरे को रोकने से मदद करेंगे, उसको फ्रिक्शन। इसमें ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्टैक्ट में है। फिर मस्कुलर क्या होता है? मस्कुलर जैसे कि मैं किसी चीज को उठाने का कोशिश करूंगा तो फिर वो उठ जाएगा, मतलब कि उठाऊंगा तो फिर उसमें मेरा मस्कुलर फोर्स लग रहा है, और वही चीज कोई रोबोट करेगा तो उसका मैकेनिकल फोर्स लगेगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, दो तरीके का होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसमें एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं और एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं। तो जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रहता है पॉजिटिव चार्ज को अपने आप खींचता है, और जैसे नेगेटिव नेगेटिव अगर रहेगा तो दोनों रिपल करेंगे, मतलब कि एक दूर भागेंगे एक दूसरे से, और पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो दोनों दूर भागेंगे, लेकिन अगर नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा तो दोनों एक दूसरे के पास आएंगे। अब ग्रेविटेशनल फोर्स, हर ग्रेविटेशनल फोर्स दुनिया में हर जगह होता है, भले वो कम क्वांटिटी में, जैसे कि स्पेस में बहुत कम क्वांटिटी में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, लेकिन होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का डेफिनेशन ही यही है कि द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कहीं ग्रेविटेशनल होना जरूरी ही है। और मैग्नेटिक, जैसे हम मैग्नेट से हम लोग आयरन पेन को, जैसे आयरन पेन है और यहाँ पर हम लोग मैग्नेट लगा तो ये अपने आप यहाँ पर आया था, इन तीनों में से किसी में भी कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं था, इसीलिए ये सब हो जाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का जो कि है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहला लॉ जो है उसको हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है पहले वो जान लेते हैं।
बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन. स्टेट ऑफ मोशन और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. Unless an external force is applied on it. मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो फिर वो चाहेगा कि वो रेस्ट में रहे जब तक कि उस पर एक अलग से फोर्स नहीं लगता है. जैसे कि पैसेंजर्स बस में बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो फिर इनको जब तक बस चलेगी नहीं तब तक इन लोग को तब तक ये वैसे ही बैठे रहेंगे. जैसे ही बस चलेगी तो फिर इन लोग को एक बैकवर्ड पुश लगेगा. मतलब बस चली तो आप लोग अगर बस पे बैठे होंगे तो फिर आपको लगता होगा कि एक ही बार में हम लोग पीछे हो गए बस चलते ही, और जैसे ही बस रुकती है तो फिर वो आगे हो जाते हैं. मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट चाहता है कि वो हमेशा उसी स्टेट में रहे जिस स्टेट में वो है जब तक कि उस पे एक अलग से फोर्स ना लगे. तो उसी का रेजिस्टेंस ऑफ फोर्स को ही हम लोग इनर्शिया कहते हैं. ये इनर्शिया जो होता है ये कहता है कि अगर कोई इसको मतलब कि हिंदी में हम इसको सीधा सीधा कह सकते हैं आलस. जैसे कि अगर ये अभी रेस्ट में है जब तक मैं इस पे फोर्स ही लाऊं तब तक ये मोशन में नहीं जाएगा. मतलब कि ये चाहेगा कि ये रेस्ट में रहे. अब हम लोग इनर्शिया के तीन टाइप्स पढ़ेंगे. सबसे पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट. जैसे कि हम लोग बस में चल रहे होते हैं तो फिर हम लोग मतलब कि जैसी मतलब बस जब रेस्ट में रहती है फिर एक ही बार में बस चलने चलती है तो फिर हम लोग को पीछे की ओर एक धक्का लगता है ना. अगर आप लोग बस में सफर करते हुए तो आपको पता चला था, बस में भी लगता है ट्रेन में भी लगता है एक ही बार पीछे की ओर एक धक्का सा लगता है. फिर अगर इसी को हमारे जो लोअर पार्ट जो रहता है हमारा पैर रहता है वो बस के नीचे वाले फ्लोर से कनेक्टेड रहता है तो फिर हम लोग का आगे वाला जो ऊपर का जो बॉडी रहता है वो अलग तरीके से बिहेव करता है. उसको वो चाहता है कि वो वैसे ही रेस्ट में हो लेकिन नीचे वाला पार्ट जो है कि हम लोग मोशन में आ जाए अब ठीक. लेकिन फिर वो आगे की ओर जाता है लेकिन फिर उतना देर में हम लोग के ये पार्ट उसको रोक लेता है और हम लोग वापस नॉर्मल हो जाता है ऐसे ही. अब दूसरा होता है इसका इनर्शिया ऑफ मोशन. इनर्शिया मोशन बस इसका जस्ट अपोजिट होता है. जैसे हम लोग का बस रुकती है ना चलते चलते एक ही बार बस रुकती है तो फिर हम लोग को आगे की ओर एक धक्का लगता है. और इनर्शिया रेस्ट में फिर जो चलने से स्टार्ट होते हैं तो हम लोग पीछे की ओर धक्का लगता था. अब लास्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जैसे कि अगर हम लोग कार में सफर कर रहे होते हैं ये कार चल रही होती है ये दो जब मोड़ आता है तो फिर हम लोग की कार जैसे जैसे मुड़ती है तो फिर हमारे बॉडी चाहते हैं कि हम सीधा ही जाए तो फिर हम लोग को इधर की ओर एक पुश लगता है. मतलब ये लगता है कि हम लोग इधर की ओर जा रहे हैं आउटवर्ड्स. तो फिर बॉडी चाहती है कि हम सीधा जाए इसीलिए हम लोग को इधर की ओर पुश लगता है लेकिन फिर ये कार इधर चलती है इसीलिए हम लोग वापस नॉर्मल हो जाते हैं. इसी को हम लोग इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं. अब हम लोग इसका अगला टॉपिक पढ़ते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. अब इसमें हम लोग को ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली proportioned to mass and acceleration. But inversely
बट इनवर्सली टू टाइम. रेट ऑफ इस यहाँ पर हम लोग को एक नया वर्ड मिलता है, मोमेंटम. मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है हम लोग का मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम. मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं. इसको हम लोग मास इनटू वेलोसिटी, मास को हम लोग एम से और इसको वी से. हम लोग अब ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम लोग मोमेंटम रहता है वो मास इनटू वेलोसिटी रहता है. मतलब कि देखिए, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो फिर हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, एम वी माइनस एम यू अपॉन टाइम. ये हो जाएगा हम लोग का फॉर्मूला. तो फिर इसमें हम लोग ऐसा लिखेंगे, एम वी माइनस यू अपॉन टाइम. तो ये एक्सेलरेशन मिल रहा है हम लोग को, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल में रहता है. और मास इनटू एक्सेलरेशन जो होता है वो फोर्स को हम लोग मास इनटू एक्सेलरेशन कहते हैं. इसीलिए हम लोग इसको एक, अभी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है यहां तक, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है फोर्स से. लेकिन अगर इसमें हम लोग एक वो एक सिम ऐड कर देते हैं, एक उसको कॉन्स्टेंट को ऐड कर देते हैं, जैसे के को, तो के एम ए हो जाएगा. तो फिर पी के एम ए के इक्वल होगा. तो यहाँ पर के हम लोग का जो होता है वो इक्वल 1 हो जाता है. इसीलिए हम लोग का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो फोर्स के इक्वल हो जाता है. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो फोर्स के इक्वल हो जाता है. अब हम लोग इसकी यूनिट्स के बारे में जान लेते हैं. सबसे पहले मोमेंटम की यूनिट. मोमेंटम की जो यूनिट होती है वो पहले तो ये मास इनटू वेलोसिटी होता है. तो फिर इसकी यूनिट हो जाएगी केजी मीटर पर सेकेंड. और यही इस और फोर्स की, फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. तो यहाँ पर केजी इनटू एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो फिर ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा. ये इसकी, ये दोनों की एसआई यूनिट है. ऐसा ही केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा. और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग 1 न्यूटन कहते हैं. 1 न्यूटन को हम लोग एन से डिनोट करते हैं. अब 1 न्यूटन की डेफिनेशन ऐसी है कि व्हेन 1 केजी ऑफ मास इज ट्रेवलिंग विथ एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज नोन एज 1 न्यूटन. अब इसके हम लोग सीजीएस यूनिट देख लेते हैं. सीजीएस यूनिट सबसे पी इज इक्वल टू मास की जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है ग्राम. और वेलोसिटी की जो होगी वो सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड. और इसी तरीके से फोर्स का हम लोग का हो जाएगा मास का ग्राम और ये एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. और इसको हम लोग कहते हैं डाइन. ये 1 डाइन के इक्वल होता है. डाइन का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, इसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं. इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है ये जान लेते हैं. न्यूटन की होती केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसकी होती ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हम लोग को इसको इसमें बदलना है. तो फिर हम लोग इस वाले इसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं. तो 1000 इंटू मीटर, मीटर जो रहेगा हम लोग का 1 मीटर, 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं. तो इसको 100 इंटू 1000 इंटू 100 और सेकेंड या सेकेंड स्क्वायर, दोनों या सेकेंड स्क्वायर है तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगा. तो फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा केजी, मतलब कि इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हम लोग का 10 टू द पावर 5 डाइन इक्वल टू 1 न्यूटन. अब हम लोग इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं. मोमेंटम के ऊपर, इनर्शिया के ऊपर एक भी न्यूमेरिकल नहीं होता क्योंकि उसमें उसमें कुछ मैथमेटिकल नहीं होता है. इसीलिए यहां पर कह रहा है कि हम लोग को लीनियर मोमेंटम फाइंड करना है एक ऑब्जेक्ट का जिसका मास है और 250 ग्राम है और जिसका और उसका जो वेलोसिटी है वो 72 किलोमीटर पर आ रहा है. और हम लोग को कहा गया है इसको एसआई यूनिट में निकालने के लिए. तो पहले तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे. 250 ग्राम इक्वल टू 1/4 के 1/4 केजी.
और इसको मीटर पर सेकंड तुमने लेंगे, तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि हम लोग किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है, तो हम लोग उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर ये हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अब दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, लीनियर मोमेंटम करेंगे, मोमेंटम फॉर्मूला होता है mv, और यहाँ पर हम लोग, तो फिर हम लोग इसको मास ले लेंगे 1/4 × वेलोसिटी इसका 20, तो 5, तो इसका आंसर रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग इसके थोड़े से एप्लीकेशंस जान लेते हैं, एप्लीकेशंस में ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, हम लोग ये जानते हैं कि जो मास और मास जो रहता है वो मास और एक्सेलरेशन वो इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, मतलब कि ये बढ़ेगा तो फिर वो भी, तो फिर फोर्स भी बढ़ेगा, ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बढ़ेगा, ठीक। और हम लोग ये भी जानते हैं कि टाइम टाइम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो mv-mu ले लो, और यहाँ पर टाइम टाइम जो था इनवर्सली प्रोपोर्शन रहता है, तो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स कम होते जाएगा, जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये कम होते जाएगा। तो इसलिए हम लोग देख लेते हैं इनके एप्लीकेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले कि अगर कोई क्रिकेट प्लेयर ड्यूस बॉल को कैच करता है, तो फिर उसके हाथ में आता है बॉल, तो वो अपने हाथ नीचे करता है, हाथ नीचे इसीलिए करता है ताकि टाइम बढ़ जाए, टाइम बढ़ जाए तो जो बॉल रहता है उसका फोर्स अप्लाइड जो रहता है वो कम हो जाता है। ऐसे जितने भी सारे जितने भी गेम्स होते हैं सब फिजिक्स के लॉज पे ही चलते हैं। और ये कहा जाता है जैसे कि अगर कोई इंसान यहाँ से मतलब कि छत से कूदेगा सैंड के ऊपर, तो फिर उसे चोट नहीं आएगी, लेकिन अगर वो ऐसे ही सीधे मार्बल से ऊपर कूद गया तो फिर उसको चोट आएगी, क्योंकि उसे सैंड में जब कूदेगा तो उसके पैर धसेंगे, उसमें धसते धसते उसको टाइम लगेगा, टाइम बढ़ेगा फोर्स कम हो जाएगा। और इसका तीसरा एप्लीकेशन ये जान लेते हैं कि जो हम लोग के व्हीकल्स रहते हैं, जितने ही व्हीकल्स रहते हैं सब में शॉक अप्स फिट किए जाते हैं, ताकि जो अगर कोई गड्ढा है या फिर कुछ है तो फिर उसमें जो चेंज होता है टाइम जो रहता है वो उस बढ़ जाता है स्प्रिंग के कारण, तो फिर इसी वजह से फोर्स अप्लाइड कम हो जाता है, और जो ऊपर जो पैसेंजर रहता है उसको कम झटका लगता है। अब हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं फोर्स के ऊपर। यहाँ पर कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है, 1 ग्राम का एक ऑब्जेक्ट है जिसपे 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब इसमें हम लोगों को बताना है एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन का कितना होगा। जो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, हम लोग ये जान लेते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स का फॉर्मूला हम लोग मास इनटू एक्सेलरेशन जानते हैं, इसमें हम लोग को मास गिवन है 1 ग्राम, मतलब कि 1/1000 इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हम लोग को पता नहीं, एक्सेलरेशन हम लोग को फाइंड पता करना है, और फोर्स 1 न्यूटन की वेन है, ठीक। हम उसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये जो है यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि 1000 मीटर पर सेकेंड, ये न्यूटन है, न्यूटन में केजी मीटर पर सेकेंड होता है, ये मास है तो यहाँ पर आएगा इनटू 1000, ये मास है तो फिर ये मास से मास कट जाएगा और मीटर पर सेकंड बचेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फिर हो जाएगा ये टोटल 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन उसका, लेकिन एक्सेलरेशन उसका हो जाएगा 10^3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन जान लेते हैं, जो कि सेकंड लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का। अब सबसे पहले हम लोग जाते हैं कहना क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये जो है ये हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, ये जो लॉ ऑफ मोशन है कहावतों में भी कहा गया है, इसका मतलब कि इसका एप्लीकेशन ये है, जैसे कि हम लोग चलते हैं, ये ग्राउंड है, ये इंसान का पैर है, ये यहाँ पर पैर रखता है, तो फिर पैर
पैर रखे हैं तो फिर जो जमीन रहेगा उस पर एक फोर्स अप्लाई होगा, लेकिन जो ये रहेगा जमीन वो भी इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा ताकि वो आगे बढ़ सके। इसी वजह से जो फोर्स रहता है वो बैलेंस हो जाता है, मतलब कि ये बैलेंस हो जाता है। अब देखिए हम लोग इसको ऐसा नहीं कह सकते कि जो फोर्स रहते हैं वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, मान लो ये 1 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ये 1 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। कैंसिल जब होते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट पे ढेर सारे फोर्स लगते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट पे, लेकिन यहाँ पर ये जमीन पैर पे लगा रहा है, पैर जमीन पे लगा रहा है, इसीलिए दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो सकते हैं, कैंसिल आउट नहीं हो सकते हैं। और अगर यहाँ पर 3 न्यूटन हो जाएगा, यहाँ पर 4 न्यूटन हो जाएगा, तो फिर ये सब मिलके और यहाँ पर 2 और यहाँ 5 सब मिलके कैंसिल कर देंगे और टोटल ये जो 0 न्यूटन पे ये वही का वही रहेगा ये ऑब्जेक्ट। और सुनिए ये और यहाँ पर और दो चार हैं, जैसे कि रिकॉइल ऑफ अ गन, जैसे कि मान लीजिए ये गन है, ये गन है, हम लोग इस पे जब यहाँ पर हम लोग जब इस पे बुलेट फायर करते हैं तो इससे जब जैसे ही बुलेट निकलता है तो फिर ये हम लोग एक पीछे पुश मिलता है, मतलब कि ऐसे मारते हैं तो पीछे एक ऐसे झटका लगता है, मतलब कि हम लोग ऐसे कहना चाहते हैं कि जो यहाँ पर जो मोमेंटम रहता है ना दोनों में इक्वल हो जाता है। ये इस पे मान लीजिए 100 न्यूटन का फोर्स लगाएगा तो फिर ये भी इस पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, लेकिन हम लोग को फील होता है इसलिए क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके मास कम है, इसका मास ज्यादा है और इसका मास कम है। इसका मास कम है मतलब कि जो इसका मास है वो 100 न्यूटन, इसका मान लो 100 ग्राम है और इसका 2 केजी लगभग लगभग, इसका 200 ग्राम इसका 2 केजी, तो 200 ग्राम को अपॉन 1000 करेंगे और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 100 × 1000 अपॉन 200 ये कैंसिल हो जाएगा इससे और 2 को 50 कर देगा तो फिर आंसर आ जाएगा हम लोग का 500, इसका एक्सेलरेशन 500 मीटर पर सेकंड हो जाएगा और वही 2 kg है, तो फिर इसमें ये जो रहेगा 2 kg 2 × एक्सेलरेशन अपॉन इसका, इसमें हम लोग 100 न्यूटन फोर्स गिवेन है, तो फिर ये जब इधर जाएगा तो फिर 250 न्यूटन हो जाएगा, बजाय 50 एक्सेलरेशन 50 मीटर पर सेकंड। इसीलिए गन्स रहते हैं 2 kg के भी नहीं होते हैं, 10 से 15 10 से 12 kg, ताकि हम लोग रिकॉइल वेलोसिटी कम कर सके हम लोग। अब हम लोग इसका लास्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो वो रहता है रिकॉइल ऑफ अ गन उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। उसमें क्वेश्चन ये सबसे पहले नहीं सर, उसमें क्वेश्चन ऐसा दे देगा कि एक गन है वो 100 2 ग्राम के बुलेट को 100 न्यूटन के फोर्स से फेंकता है, मतलब कि इस पे 100 न्यूटन अप्लाई करता है, ठीक, और गन जो है वो 10 से 10 kg का लगभग। तो फिर अब हम लोग को बताना है कि इन दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा, दोनों पे 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई होगा क्योंकि एक्शन रिएक्शन फोर्स तो इक्वल ही रहेंगे, तो फिर इस पे 2 ग्राम हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से, 2 × a² × फोर्स ऑन द 100, ये वहां जाके उल्टा हो जाएगा 1000 × 250, तो फिर ये 50000 हो जाएगा और इस साइड 10 यहाँ पर 100/10 हो जाएगा तो ये 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो इसका हम लोग को मिल जाएगा, इसका भी हम लोग को मिल जाएगा एक्सेलरेशन। अब हम लोग फाइनल कर लेते हैं इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मोमेंटम। हम लोग पिछले लॉ से हम लोग को पता चलता है कि जो एक्शन फोर्स रहेगा वो हमेशा रिएक्शन फोर्स के इक्वल रहेगा, रिएक्शन फोर्स के मैग्नीट्यूड में इक्वल रहेगा, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, इसीलिए यहां पर नेगेटिव लग रहा है, रिएक्शन फोर्स के इक्वल रहेगा, तो इसी से हम लोग को मिलता है ये लॉ। ये लॉ क्या कहता है कि अगर कोई दो बॉल्स है इसका जो इसका दोनों का मास इक्वल है 1 kg, इसका भी 1 kg, ये रेस्ट पे मतलब इसका 0 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन है और इसका 2 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर कुछ देर बाद जब ये दोनों कोलाइड करते हैं
इसका एक्सेलरेशन हम लोग को पता नहीं रहता, लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन हम लोग का इक्वल हो जाता है, दोनों एक्सेलरेशन, और मास हो जाता है 2 kg। तो फिर उसके बाद फिर जब ये चलना स्टार्ट करते हैं तो दोनों का जो वो रहता है कि या तो ये दोनों चिपक जाएंगे, या फिर कंडीशन रहता है कि हो सकता है कि ये जाके चिपक जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि अलग अलग होके सेम स्पीड से चले, और सेम स्पीड से चले, यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो फिर इसमें हम लोग को पहले दोनों का ये है, सबसे पहले बिफोर पहले ये सब लिखते थे, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। अभी हम लोग लेके चलेंगे दोनों चिपक गए हैं, ये भी कोलिजन हुआ है, तो जो टोटल मास हो गया 2 kg, और जो वेलोसिटी होगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना रहता है ज्यादातर में। और मान लेते हैं इसका वेलोसिटी हो गया 1 m/s² और ये कोलिजन। अब इसमें क्या है, देखिए दोनों को जो एक्शन रिएक्शन फोर्स ये कहते हैं कि फिर दोनों का मोमेंटम जो रहेगा ना वो ये लॉ ये कहता है कि दोनों का जो मोमेंटम रहेगा वो दोनों कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद सेम रहेगा। इसीलिए ये यहां पर है टोटल टोटल मोमेंटम यहां पर कहा गया है। तो फिर यहां पर इसका जो मोमेंटम रहेगा 1 × 2, 1 × 0+, मतलब कि ऐसा लिख सकते हैं। अभी हम लोग ये सबको हटा देते हैं, यहां पर हम लोग सीधे मास लिख देते हैं, यहां पर m u1 m1 m2 u1 u2, फिर यहां पर m m और यहां पर v1 v2। तो हम लोग इसमें ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग का जो m1 u1 + m2 u2 होगा वो m1 v1 + m2 v2 के इक्वल में होगा। ये हम लोग को एक फॉर्मूला मिलता है इससे, इस फॉर्मूला से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे अभी। अब हम लोग इसको डिराइव करना सीख रहे हैं, कैसे डिराइव करते हैं। हम लोग कहा गया था कि एक्शन रिएक्शन फोर्स जो रहता है वो इक्वल रहता है लेकिन अपोजिट रहता है। तो फिर यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, ये मास मास, ये ए ये बी, ये बॉल ए ये बॉल बी, और फिर इन दोनों का एक्सेलरेशन यू यू, यहां पर कोलिजन हुआ, फिर आफ्टर कोलिजन एम एम ए बी वी, ऐसा कह रहा है। तो फिर हम लोग का जो फोर्स रहेगा वो यहाँ पर फोर्स इक्वल टू नेगेटिव फोर्स रहेगा, क्योंकि एक्शन एक्शन फोर्स जो रहेगा वो तो एक तरफ होगा, जैसे इस पे एक्शन फोर्स लगेगा और इसको मैं चलाऊंगा तो इस पे एक्शन फोर्स लगेगा, तो ये मेरे पे एक रिएक्शन फोर्स देगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा, इसीलिए नेगेटिव, ये नेगेटिव रहेगा रिएक्शन फोर्स। तो फिर इसमें हम लोग लिखेंगे ma × -ma, तो यहाँ पर मास इंटू वी माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू मास इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पर हम इसको ऐसा ले सकते हैं कि जो हम लोग जो यहाँ पर जो मोमेंटम रहेगा ये हम लोग का ये दोनों का इक्वल रहेगा, ये दोनों का जो मोमेंटम रहेगा ये यू जो रहेगा वो ये दोनों कोलाइड कर देगा, मतलब कि ये दोनों साथ में रहता है mv − mu अपॉन t mv − + mu। देखिए यहां पर माइनस नेगेटिव था इसीलिए प्लस mu अपॉन टी। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे टोटल, तो फिर हम लोग का आएगा टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक, फिर तो हम लोग का आएगा mv − mu, ये इसका मास वन, ये मास टू, मास वन मास टू, ठीक, और ये 1 2 1 2, हम लोग का ये नहीं सॉरी ये 1 ये 2, फिर ये 1 ये 2, ठीक। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, पहले mv − mu, m1 ये मास 1, वेलोसिटी 1, m2 ये वेलोसिटी 1, ठीक, फिर माइनस m1 v2 + m2 v2, ऐसा हो जाएगा। तो फिर हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे टोटल, तो फिर ये इधर जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो वो
प्लस में आ जाएगा, तो फिर आ जाएगा हम लोग का एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। अब हम लोग लास्ट देख लेते हैं, लास्ट इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, इसलिए इसमें क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। अब देखिए इसमें लास्ट क्या है, इम्पल्स, इम्पल्स होता है हम लोग का फोर्स इनटू टाइम टेकन, ठीक, मतलब कि इसका हम लोग यूनिट देख लेते हैं, ये ज्यादातर क्वेश्चन में आता है लेकिन फिर भी मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम टाइम, तो फिर यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड, तो फिर इससे कैंसिल हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड, ये इसकी यूनिट होती है इम्पल्स की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।